मुझे तो ऐसा लगता था भाई कोई मेरे साथ ऐसा करता ना तो मैं उसी टाइम पे कंपनी छोड़ देता। होता है लोगों के पास, कई लीड मैनेजर बहुत ज्यादा तंग आए होते हैं, घर से ही तंग आए होते हैं, पता नहीं क्या सीन होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को भी तंग करने लग पड़ते हैं। उनको काम से कोई मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है कि कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है पर्टिकुलर कंपनी में। डोंट पिक अ जॉब, पिक अ बॉस। पहले ये चीज मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं सोचता था कि लोग ऐवें ही बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा आईटी वर्ल्ड में एक्सपीरियंस बढ़ा, मुझे इस लाइन का असली मतलब पता चला। और मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप एक फ्रेशर हो तो ये वीडियो आप डेफिनेटली जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। क्योंकि मुझे भी अब जाके रियलाइज हुआ है कि हमेशा ये चीज फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? वेल, इसका आंसर आपको लास्ट तक मिल जाएगा। वेल, पहले पहले जब मैं सुनता था कि लोग ऐसा कहते थे कि यार अगर आपका बॉस अच्छा है ना तो आपकी लाइफ ऐसे स्वर्ग जैसे बन जाएगी, और अगर आपका बॉस ही बहुत घटिया होगा ना तो आपकी लाइफ एकदम हेल के बराबर हो जाएगी। और सीरियसली मुझे ये चीज़ फील भी हुई। मेरा एक ऐसा बॉस था जो कि इतना घटिया था, मतलब जिसके पास जाने से मेरे को डर लगता था बहुत ज़्यादा। वो चीज़ हो चुकी थी कि यार नहीं, एक फेयर सा बन चुका था कि वो मुझे कुछ ना कुछ बोल देगा या कुछ कह देगा, डर सा बैठ चुका था। मेरी लाइफ में मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि सिर्फ एक ही बॉस ऐसा था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा घटिया लगा था, जिसने मुझे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया था। उसके अलावा मेरी लाइफ में जितने भी बॉस आए, लीड आए, मैनेजर आए, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव आए थे। पहले वाले का केस बताता हूँ कि जब वो मेरे साथ जिस तरह से बिहेव करते थे या फिर जो भी करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा हैक्टिक लगता था। मैंने उस टाइम पे अपना फुल 100% नहीं दिया था जिस तरह से भी मेरा लीड एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन आफ्टर दैट जब मेरे दूसरे किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में जाकर मैंने काम किया, देन आई रियलाइज कि यार अच्छा बॉस होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आप बहुत ही अच्छी कंपनी में बैठे होते हो लेकिन आपका बॉस अच्छा नहीं होता, तो आपकी आपकी लाइफ उस कंपनी में भी हेल्प बन जाती है। कई बार क्या होता है कि आप इतनी घटिया कंपनी में बैठे हो लेकिन आपके बॉस बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि नहीं यार इस कंपनी में तो स्वर्ग है। तो ऐसा होता है। आपको मैं इस चीज़ के फायदे बताता हूँ कि अगर आपका बॉस बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हुआ, या फिर आपकी बातों को भी समझ रहा होगा, देन आपको बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, आपको स्कोप ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर आपका बॉस अच्छा होगा, क्योंकि वो हमेशा इनकरेज करता है अपने टीम मेंबर्स को कि वो भी उनके साथ साथ ग्रो करें। हमेशा ये चीज़ देखने को मिली है और मैंने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस भी किया है कि मेरे ऐसे बॉस या फिर ऐसे लीड हुआ करते थे जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हुआ करते थे। मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डाल दिया जाता था कि ये कर लो वो कर लो, और कभी मुझे इतना ज़्यादा टोका टोकी नहीं की, कभी भी मुझे इतना ज़्यादा डांटा नहीं कि मैं बाद में डर जाऊँ या फिर कल को उनको वैसी मैं परफॉर्मेंस ना दे पाऊँ। देखिए, जब आप पर कोई इतनी एक्सपेक्टेशन रखता है ना तो आपको भी लगता है कि यार ये बंदा मुझ पर इतनी एक्सपेक्टेशन रख रहा है, मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहा है, देन यू विल गिव योर 200% टू दैट वर्क। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। देखिए, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। मेरा एक ऐसा दोस्त था जो बहुत तगड़ी एमएनसी में काम कर रहा था, लेकिन उस कंपनी में उसका जो प्रोजेक्ट था, उसका जो लीड था, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया था। उससे एक एक मिनट का हिसाब लेता था, कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, सब चीज़ें पूछ रहा था। मुझे तो ऐसा लगता था भाई कोई मेरे साथ ऐसा करता ना तो मैं उसी टाइम पर कंपनी छोड़ देता। होता है लोगों के पास, कई लीड मैनेजर बहुत ज़्यादा तंग आए होते हैं, घर से ही तंग आए होते हैं, पता नहीं क्या सीन होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी तंग करने लग पड़ते हैं। उनको काम से कोई मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है कि कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है पर्टिकुलर कंपनी में, जो कि बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ होती है। ये सब चीज़ों को नोट करना। उसके बाद उस बंदे पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लग पड़ी, बहुत ज़्यादा प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर आने लग पड़ा जिसको वो हैंडल नहीं कर सकता था, या फिर जो उसको भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसने बहुत बार उस बंदे से बात करने की कोशिश की, अपने लीड या फिर बॉस से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कभी बात नहीं सुनी गई। और बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं ऐसे। मैं आजकल बहुत ज़्यादा फ्रेशर से बात करता हूँ तो यही सब चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि यार हमारा लीड अच्छा नहीं है, हमारा बॉस अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि उनको इन दी एंड आपके काम से मतलब होना चाहिए, इधर उधर की बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आपको अच्छा बॉस नहीं मिलता, देन इट्स टाइम टू स्विच। क्योंकि देखिए, आपका बॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके करियर को लेकर, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस। आपका बॉस आपका प्रॉपर गाइड होता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में किस तरह से जाना चाहिए या फिर किस तरह का वे अपनाना चाहिए।
तो ऐसी सब चीजों में हेल्प आपका बॉस ही करता है या फिर आपका लीड करता है या फिर वो किसी को असाइन कर देता है जो आपकी हेल्प कर सके। और जितने भी मेरे बाकी लीड्स थे एक को छोड़ के, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी टू लर्न डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, टू ग्रो इन डिफरेंट फील्ड्स। मुझे इतना ज्यादा लर्न करने को मिला कि मैं बता भी नहीं सकता। और हमेशा होता है, अगर आपको कोई अच्छा बॉस मिल जाता है तो आपकी लाइफ एकदम स्वर्ग जैसी बन जाती है, और अगर कोई घटिया बॉस मिल जाए, कोई घटिया लीडर मिल जाए, देन आपको ऐसा लगता है कि भाई आईटी वर्ल्ड ही हेल के बराबर है। आईटी वर्ल्ड में कोई खुशी नहीं है, सब लोग दुखी होकर काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ जाती है। तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि जिस तरह से आपके साथ भी कभी थोड़ा बहुत बुरा बिहेव हुआ होगा, कल को जब आप भी कभी लीड की पोजीशन पर पहुँच जाओ तो इस तरह का बिहेव बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने उस टाइम पे कितनी गालियाँ दी होंगी उस लीड को, और कल को आप अगर उसी की पोजीशन पर बैठे होंगे तो आपके साथ भी सेम चीज़ हो सकती है। तो हमेशा इस चीज़ को इग्नोर ही करिएगा, और जैसा भी आप हेल्प कर सकते हो या फिर जो भी कर सकते हो, जितने ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हो उतना ज़्यादा सपोर्टिव बनिए, क्योंकि आईटी वर्ल्ड ही ऐसा है कि इसमें जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, जितना आप अच्छे तरीके से बोलकर काम निकलवा सकते हो, उतना ही आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आईटी वर्ल्ड में कोई भी किसी के नीचे दब कर काम करना नहीं चाहता। तो इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे ये भी पता है कि ये आपके हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको कौन सा बॉस मिलेगा, ये आपके लक पर डिपेंड करता है कि आपको कल को कौन सा बॉस मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको अच्छा बॉस मिल जाता है तो ढूंढ जितना फ़ायदा आप उस चीज़ का उठा सकते हो उठा लीजिए। कल को नहीं पता, आप किसी दूसरी कंपनी में जाकर हायर पैकेज पर जाते हो, कल को आपका बॉस आपको इतना तंग कर दे कि आप वहाँ से भी निकलना चाहते हो। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। जितनी ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में मिल रही होंगी बिकॉज ऑफ योर बॉस, उतना ज़्यादा उस कंपनी में आपके ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा अपने बॉस, लीड या मैनेजर के साथ एक अच्छी रेपो जरूर बनाकर रखिए, क्योंकि इन दी एंड वही होते हैं आपके कर्ता धर्ता। प्लस अपनी कैपेबिलिटीज को भी समय के साथ साथ इंप्रूव कीजिएगा, अपने स्किल सेट्स को इंप्रूव कीजिएगा, क्योंकि मोर देन बॉस यू शुड डिपेंड ऑन योर सेल्फ एज वेल। यू शुड हैव दैट फेथ ऑन योर स्किल सेट कि यार कल को मुझे अगर बुरा बॉस भी मिल गया ना, तो मैं अपने स्किल सेट से उनको इतना ज़्यादा इंप्रेस कर दूंगा कि मैं उनकी थिंकिंग ही चेंज करके रख दूँ। तो ऐसे भी केसेस बहुत बार देखने को मिलते हैं कि शुरुआत में आपकी आपके बॉस के साथ नहीं बनती, लेकिन जिस तरह से भी आप काम अपना कर दिखाते हो, उसके बाद आपकी रेपो इतनी अच्छी बन जाती है कि आपको लगता है कि आप स्वर्ग में बैठ चुके हो। तो ये मेनली फंडा होता है कि डीमोटिवेट ना होने का, हमेशा इसको अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो कीजिए, मैंने भी फॉलो किया था। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।